दोस्तों आप सभी के लिए फिर से मैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आ चुका हूँ जिनमें कि आपको 80+ का कंटेंट भर भर के देखने को मिल जाता है। सभी सीरीज काफी टॉप लेवल की है और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद सभी सीरीज को एंजॉय कर लीजिए। वेल अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर देना, जिससे हमें काफी हेल्प मिल जाएगी ऐसे कंटेंट बनाने में। स्पेशल ऑप्स ये भी सीरीज आपको डिजिटल प्लस होस्टर की देखने को मिलती है, जिसको कि IMDb ने 8.6 की रेटिंग दी है। अब सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है कैसे टेररिस्ट के जो कि काफी सारा क्राइम करता है और काफी सारी टेरर एक्टिविटीज करता है, और उसी को पकड़ने के लिए काफी सारे पुलिस ऑफिसर को टास्क दिया जाता है। अब वो क्या पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ भी पाते या फिर नहीं, वो आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। साल 2018 में इस सीरीज जिसका नाम है चरित्रहीन, सीरीज काफी कमाल की है और एक ही लाइन में इस सीरीज को कहना चाहूंगा ऑसम। सीरीज का मैं प्लॉट बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप एडल्ट कंटेंट के ऊपर सीरीज देखना पसंद करते हो तो भाई इस सीरीज को एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। सीरीज के कुल अभी तक आपको 3 सीजन देखने को मिल जाते हैं, तीन सीजन को आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो IMAX में, और सीरीज को IMDb ने 4.7 की रेटिंग दी है। साल 2020 में इस सीरीज जिसका नाम है मर्जी, सीरीज को IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है। सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है शिमला की, जहाँ पे एक स्कूल टीचर को एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसकी जिंदगी में, उसको वो प्यार कर भी पाती या फिर नहीं, वो आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और डैम श्योर आपको काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। सीरीज और मेरी फेवरेट सीरीज जिसका नाम है द गॉन गेम, अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा तो आपने काफी से कंटेंट मिस किया है। बेसिकली ये सीरीज आपको एक सस्पेंस ड्रामा सीरीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़के की जो कि मिस्टीरियस तरीके से लॉकडाउन में गुम हो जाता है, और कैसे उसके फादर और उसकी बहन उसको ढूंढने में लगे रहते हैं, वो आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। और सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस सीरीज को कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर ही बनाया गया, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सीरीज को IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी है। साल 2019 में सीरीज और मेरी फेवरेट सीरीज जिसका नाम है माधुरी टाकी, सीरीज को IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है। और सीरीज में स्टोरी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसके साथ काफी बुरी तरीके से गैंगरेप हुआ होता है, और कैसे उसके वीडियोस को वायरल किया जाता है तो उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है, और कैसे उसका बॉयफ्रेंड उन लोगों से बदला लेना स्टार्ट कर देता है, वो आपको सीरीज का प्लॉट देखने को मिलता है। सीरीज काफी ज्यादा कमाल की है और डैम श्योर कि अगर आप एक ऐसे टाइप की वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो ये वेब सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है।